कार में फंसे राहुल व हारून ने परिजनों को किया था फोन। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। धोलाना के कमरुद्दीन नगर में कार तालाब में गिरने के बाद राहुल व हारून ने अपने घर पर फोन किया था, लेकिन नियति ने शायद कुछ और ही सुनिश्चित किया हुआ था। दोनों की कॉल का परिजनों ने कोई जवाब नहीं दिया था। जब तक परिजन कॉल देख पाते और वापस कॉल कर पाते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। चारों ने कार का शीशा तोड़ने की भी पूरी कोशिश की थी। मोर्चरी पर मौजूद हारून के चाचा ने बताया कि हारून ने अपनी बहन को 3 बार कॉल किया था। पहली कॉल 9:51 पर, दूसरी कॉल 9:52 और तीसरी कॉल 9:56 पर की, और वापस 10 मिनट बाद जब हारून की बहन ने कॉल बैक की, तब तक हारून का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। इसी प्रकार राहुल ने भी अपने परिजनों को कॉल की थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पाई। कार तालाब में उस जगह थी जहां 4 से 5 फुट पानी था। इस दौरान कार के दरवाजे भी लॉक हो गए थे और शीशे भी लॉक थे। चारों ने कार के शीशे तोड़ने का भी प्रयास किया था।